ओम नमः शिवाय मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं कल 22 जनवरी कैसा बीतेगा मे से लेकर मीन लगन वाले जातकों का आइए स्टार्ट करने से पहले आपके दो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप लगातार पूछते हैं पहला प्रश्न पूछा गया है वो कौन सा ग्रह है जो 24 घंटे बलवान रहता है कौन सा ग्रह 24 घंटे बलवान रहता है और किस ग्रह जो होते हैं वो दिन में बलवान होते हैं और कौन से ग्रह रात्रि में बलवान होते हैं एक प्रकार से देखा जाए तो त्रिभागा बल के बारे में पूछा गया ये क्वेश्चन ग्रहों का जब आप बल निकालते हैं जब शड बल निकाला जाता है तो उसमें त्रिभागा बल भी निकाला जाता है और उसमें ये बताया गया स्पष्ट रूप से कि दिन को तीन भाग में डिवाइड कर दीजिए रात्रि को भी दिन तीन पार्ट में डिवाइड कर दीजिए यानी टोटल 24 घंटे को आप छह पार्ट में डिवाइड कर दीजिए जो दिन का पहला पार्ट होगा वो बुध ग्रह के अधीन चलता है द्वितीय भाव सूर्य ग्रह के अधीन होता है और तृतीय भाव शनि ग्रह के अधीन होता है चतुर्थ भाव अर्थात रात्रि का जो पहला पार्ट होगा वो चंद्रमा दूसरा शुक्र और तीसरा मंगल का स्वामित्व प्राप्त तो होता है तो ये गणना से हम लोग त्रिभागा बल को निकालते हैं और 24 घंटा जो होता है वो देवगुरु बृहस्पति जो होते हैं वो 24 घंटे यानी रात्रि बली भी होते हैं और दिन बली भी होते हैं तो ग्रहों का बल ज़रूर चेक कीजिएगा क्योंकि जो घटनाएं घटित है होती हैं अगर आप देखिएगा तो सुबह सबसे अर्ली मॉर्निंग जो होता है सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होने के बाद पूरा अंधकार छा जाता है तो आप ये रफली मान के चलिए सूर्य जो है सेकंड पहर पे और उसके बाद शनि आ जाते हैं यानी पूरा अंधकार छा जाता है और शनि जो होता है वैसे भी ब्लैक के लिए जाने जाते हैं तो इसी तरीके से उनका कुछ बल होता है हालांकि साइंटिफिकली इसको प्रमाणित नहीं किया गया है लेकिन हर ग्रह का क्या बल होता है इस पर भी रिसर्च अभी चल रही है इसके बाद दूसरा प्रश्न जो पूछा गया है वो वर्ष कुंडली में मुंथा की क्या विशेषता होती है मुंथा को क्यों चेक किया जाता है देखिए सबसे पहले बता दूं कि वर्ष कुंडली होता क्या है जब आपका जन्म होता है तो उस समय जो कुंडली बनती है उसको लगन कुंडली कहते हैं उस समय सूर्य जिस अंश पर होता है उसके आधार पर आपको देखना पड़ता है कि अगले साल या जिस साल आपका वर्षफल निकलना होगा उस समय सूर्य का डिग्री कांस्टेंट रहना चाहिए सपोज कीजिए किसी की कुंडली में सूर्य पंद्रह डिग्री का है और उसका जो जन्मदिन है वो आज का दिन मान लीजिए ट्वेंटी वन जनवरी है तो अगर ट्वेंटी वन जनवरी को उसका डेट ऑफ बर्थ है और प्लेस ऑफ बर्थ पता है टाइम ऑफ बर्थ के लिए आपको देखना पड़ेगा सूर्य एग्जैक्टली पंद्रह डिग्री पर किस समय पर आ रहे हैं वो आपको टाइम ऑफ बर्थ नहीं मिल जाएगा और डेट ऑफ बर्थ टाइम ऑफ बर्थ प्लेस ऑफ बर्थ मिल गया तो आप चार्ट को जनरेट कर सकते हैं तो सूर्य की महत्ता होती है और मुंथा जो होता है सामान्यतः अगर देखा जाए तो वो लगन में रहता है जन्म के समय एक सिंपल सूत्र होता है इसको कैलकुलेट करने का कि आपको जिस वर्ष की कुंडली बनानी है वार्षिक कुंडली उसमें आप अपने लग्नेश के अंक को जोड़ दीजिए सपोज कीजिए आप कर्क लगन के हैं और आपको बीसवें वर्ष की कुंडली निकालनी है या आपको बाईसवें वर्ष की कुंडली निकालनी है वर्ष कुंडली तो बाईसवें वर्ष में आपको चार जोड़ देना पड़ेगा तो बाईस और चार कितना हो गया छब्बीस और इसको आपको बारह से डिवाइड करना पड़ेगा तो आपके पास जो रिमाइंडर बच रहा है दो रिमाइंडर बच रहा है तो ये जो दो रिमाइंडर है यानी लगन का प्रथम भाव लगन का द्वितीय भाव यानी मुंथा किस भाव में जाएगा ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं प्रथम वर्ष में मुंथा लगन में होता है द्वितीय वर्ष में द्वितीय भाव में तृतीय वर्ष में तृतीय भाव में ऐसे एक ये घूमता है और जब बारह वर्ष होगा तो पुनः ये लगन में द्वादश में चल जाएगा तेरहवें वर्ष में फिर लगन में आ जाएगा ऐसे भी आप सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हैं और मुंथा की विशेषता इतनी इंपॉर्टेंस होती है मुंथा को ग्रह के तुल्य माना जाता है हालांकि मुंथा कोई ग्रह नहीं होता है लेकिन मुंथा को ग्रह के तुल्य माना जाता है और ये किस भाव में जाते हैं वर्ष कुंडली में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ऐसा देखा भी गया है और बहुत सारे बलों को भी कैलकुलेट किया जाता है वार्षिक कुंडली में और काफ़ी योगों को देखा जाता है उसके बाद हम परिणाम को निकाल पाते हैं मुंथा पर शुभ ग्रह की दृष्टि है या अशुभ ग्रह की दृष्टि है और जिस भाव का ये मंथा रहता है उस भाव के स्वामी को मुंथेश भी कहा जाता है तो ये दो प्रश्न थे जो आप लोगों के थे और दोनों ही ज्योतिषीय के ज्योतिष के अच्छे प्रश्न थे तो अब हम देखते हैं कि कल चंद्रमा की स्थिति कहां पर रहेगी और मेष से मीन लगन वाले जातकों तो आइए हम समझते हैं मेष लगन वाले जातकों का कल दिन कैसा बीतेगा कल के दिन चंद्रमा जो रहेंगे आपके लगन से पंचम स्थान पे रहेंगे और सूर्य के नक्षत्र में सूर्य की राशि में रहेंगे तो निश्चित रूप से कल के दिन जिनको आ, ये डायबिटिक की प्रॉब्लम है या हृदय से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनकी परेशानियां अकस्मात बढ़ जाएगी स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना चाहिए अगर आप किसी प्रकार के पेरेंटल प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी डिस्प्यूट में पड़े हुए हैं तो वो भी डिस्प्यूट कल बढ़ सकता है वाड़ी हालांकि संयमित आपकी रहेगी और वाड़ी की जो कला होती है उससे आप कई प्रकार के चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे जो आर्ट होता है बोलने का उससे कई प्रकार की चीज़ों को आप सॉल्व कर लेंगे भाग्य का पूर्ण रूप से साथ मिलने वाला है कल और साथ में परिश्रम भी बढ़ेगा मानपद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे आय के साधन सामान्य ही रहने वाले बहुत ज़्यादा हम ये नहीं कह सकते हैं कि बहुत अच्छा हो जाएगा कल के दिन लेकिन अगर कोई नया काम प्रारंभ करना चाहते हैं तो आप बजरंग बली का नाम लेकर ही आप काम कीजिए जिससे कि आपका कल का दिन अच्छा बीते वृषभ लगन की बात करते हैं वृषभ लगन में चंद्रमा आपके लगन से चतुर्थ स्थान पर रहेंगे और पराक्रम के मालिक जब सुख में जाएंगे तो निश्चित रूप से पराक्रम बढ़ाएंगे और जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा आप सुख की अनुभूति भी कर लेंगे इसके अलावा जो वाड़ी को लेकर किसी प्रकार का गले में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है यानी थ्रोट इन्फेक्शन के स्वास्थ्य को लेकर मैं देख रहा हूँ थोड़ी परेशानी रह सकती है हालांकि स्वास्थ्य बाकी सामान्य से अच्छा रहने वाला है लेकिन माता के हड्डियों में दर्द का अकस्मात बढ़ जाना ये एक चिंता का कारण बन सकता है किसी प्रकार की मानसिक तनाव से अगर आप गुजर रहे हैं तो कल के दिन थोड़ा सा तनाव बढ़ सकता है इसलिए आपको गणेश जी की आराधना कल के दिन निश्चित रूप से करना चाहिए जिससे कि कोई निगेटिविटी आपके अंदर ना रहे इसके अलावा कार्य व्यवसाय में गुप्त शत्रु का अकस्मात एंट्री करना आपके लिए एक प्रकार का अलर्ट रहेगा और इन गुप्त शत्रुओं को निकालने के लिए आपको लगातार कम से कम 11 दिनों तक आपको गणेश जी की आराधना करते रहना चाहिए जिससे कि कोई परेशानी ना हो कल के दिन ये थोड़ा सा कार्यस्थल कार्यस्थल को लेकर गुप्त शत्रुओं का एंट्री दिखाई दे रहा है नौकरी व्यवसाय के लिए अच्छे योग बन रहे हैं और धन की प्राप्ति भी कल हो जाएगी लेकिन आपको जो जीवनसाथी के साथ जो वाद विवाद चल रहे हैं वो अभी भी कम होने का नाम नहीं दिखाई दे रहा है अर्थात वैवाहिक जीवन को लेकर अभी भी परेशानियां बनी ही रहेगी इसके अलावा मिथुन लगन की बात किया जाए तो मिथुन लगन में चंद्रमा आपके लगन से तृतीय भाव में रहेंगे और तृतीय भाव में रहेंगे धन का मालिक तृतीय भाव में इसका मतलब है कि आपको धन के लिए काफ़ी मेहनत तो करना पड़ेगा लेकिन सूर्य के नक्षत्र में जाने के कारण आपको मानसिक रूप से तनाव भी ये कम करेगा यानी स्वास्थ्य आपका काफ़ी अच्छा रहेगा जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे हो जाएंगे छोटे भाई बहनों के साथ कुछ मतभेद चल रहे थे तो वो भी खत्म होंगे नौकरी व्यवसाय को लेकर कुछ रुकावटें आएंगी कल अगर इंटरव्यू वगैरह देना चाह रहे हैं आप तो कल का दिन बहुत अच्छा नहीं बीतेगा इंटरव्यू के लिए इसलिए कल अगर आपको रियली really इंटरव्यू देना है और पूरा प्रिपरेशन करके देना है तो आपको केसर का तिलक लगा के ही जाना चाहिए गणेश जी की आराधना ज़रूर आपको कर लेना चाहिए प्रेम प्रसंग मधुर रहेंगे लेकिन विद्यार्थी वर्गों को शिक्षा में किसी प्रकार की टेंशन होना या शिक्षा में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो सकती है धन को लेकर ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ काफ़ी मेहनत करने के बाद ही चीज़ें सफल होंगी कर्क लगन की बात किया जाए तो कर्क लगन में चंद्रमा आपके लगन से द्वितीय भाव में रहेगा और धन के स्थान पर आने से आपके धन को ये बढ़ाने की पूरी कोशिश करेगा धन में वृद्धि होगा लेकिन गले में किसी प्रकार का इन्फेक्शन भी हो सकता है और जल वाले क्षेत्र में जाने से अभी भी आपको बच बचना चाहिए इसके अलावा जीवन साथी के साथ संबंध आपके मधुर हो जाएंगे और कार्य व्यवसाय को लेकर कुछ रुके हुए कार्य जो आप काफ़ी दिनों से कर रहे हैं नहीं हो पा रहा है उसमें आपको सफलता भी मिलेगी किसी नए भूमि वाहन मकान में निवेश करना चाहते हैं परफेक्ट टाइमिंग है कल का निश्चित रूप से आपको निवेश कर लेना चाहिए लेकिन कार्य को लेकर भ्रमित मत होइएगा जो डिसीजन बना रहे हैं उसी पर फोकस कीजिए कुछ एक साथ मल्टीपल वर्क करने से कुछ परेशानियों का सामना कल ज़्यादा देखने को मिलेगा और अभी भी संतान के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सचेत रहने की ज़रूरत है उधर संबंधित जिनको परेशानियां रहती है जिन जो इनके लीवर फैटी है उनके लिए कुछ थोड़ा परेशानी कर्क लगन में दिखेगा सिंह लगन की बात किया जाए तो सिंह लगन में चंद्रमा जो रहने वाले हैं वो आपके लगन से प्रथम भाव मतलब लगन में ही रहने वाले हैं विदेशों से लाभान्वित करेंगे और साथ में आपको अगर न्यूरो से रिलेटेड कुछ परेशानी है या आपकी कोई सर्जरी होनी है तो वो सर्जरी अच्छे से हो जाएगी मतलब सकुशल सर्जरी भी हो जाएगी और साथ में न्यूरो से प्रॉब्लम है तो उस परेशानी से थोड़ी सी आपको राहत मिलता हुआ कल के दिन में दिखेगा प्रेम प्रसंग मधुर होंगे जीवन साथी का सहयोग मिलेगा कार्य व्यवसाय को लेकर कुछ स्थान परिवर्तन के योग कल के दिन मिल रहे हैं और साथ में माता से किसी प्रकार का वैचारिक मतभेद कल के दिन में हो सकता है और बड़ों का आशीर्वाद लेकर अगर घर से निकलते हैं तो आर्थिक उन्नति के योग भी कल के दिन दिख रहे हैं हालांकि कार्य व्यवसाय को लेकर कुछ नकारात्मक चीज़ें नहीं है अर्थात वो सामान्य रहेगा कन्या लगन की बात किया जाए तो कन्या लगन में चंद्रमा आपके लगन से द्वादश भाव में जा रहा है तो निश्चित रूप से खर्च खर्च और खर्च खर्च की ज़्यादा दिखता रहेगी एसिडिटी कल ज़्यादा आपको हो सकती है उधर संबंधित परेशानियाँ आपको परेशान करेंगी कल का दिन बहुत अच्छा कन्या लगन में नहीं दिख रहा है प्रेम प्रसंग में भी किसी प्रकार का डिस्प्यूट होने की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही लेकिन फिर भी पॉजिटिव एंड में देखा जाए तो आपके नेम फेम कल के दिन बढ़ने वाले हैं मान पद प्रतिष्ठा जो है वो बढ़ेगी कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार के स्थान परिवर्तन या यात्रा के योग बनेंगे और ये योग आपको ये जो यात्राएँ हैं वो आपको करनी भी चाहिए और इन यात्रा को करने से आपको अच्छे परिणाम भी कल दिखाई देंगे इसके अलावा जो कल जो इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है अगर आपके कोई ऑफर लेटर आने वाला था किसी जॉब में पहले अप्लाई कर रखा था और वो नहीं आ रहा था तो उसके लिए कल शाम को पांच बजे के बाद सामान्यतः पाँच बजे के साथ पाँच बजे के बाद का जो समय है उसमें आपके पास ये आता हुआ दिखाई देगा और ये इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि आपकी लगन कुंडली क्या कह रही है गोचर का केवल परिणाम है लेकिन पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होना तय है और धन की प्राप्ति भी हो जाएगी थोड़ा सा मेहनत ज़रूर करना पड़ सकता है कल के दिन पैसे निकालने में थोड़ा सा आपको सावधानी बरतना चाहिए और पैसे समय किसी को लोन नहीं देना चाहिए कन्या लगन की बाद हम तुला लगन की बात करते हैं तुला लगन में चंद्रमा एकादश भाव में रहेंगे तो आय के स्रोत को बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे नौकरी व्यवसाय को लेकर कुछ पॉजिटिव रिजल्ट भी कल के दिन आपको दिखाई देगा आपके कार्यों की लोग प्रशंसा करेंगे और भाग्य का पूर्ण रूप से सहयोग मिलने वाला है पैरेंटल प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट अगर चल रहा था तो वो पेरेंटल प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट ख़त्म होगा और वो आपके पक्ष में भी आ सकता है इसलिए कल का दिन अच्छा है अगर आपको एक टेबल पे बैठ के अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो निश्चित रूप से आपको कल का दिन अति उत्तम है और दस बज के अड़तालीस मिनट के बाद निश्चित रूप से आपको ये काम कर लेना चाहिए प्रेम प्रसंग के लिए भी कल का दिन अच्छा है जीवन साथी का स्वास्थ्य हालांकि थोड़ी सी कानों में पीड़ा हो सकती है या राइट हैंड में किसी प्रकार का दर्द अकस्मात उत्पन्न हो सकता है लेकिन बाकी चीज़ें मैं अच्छा देख पा रहा हूँ धन के लिए स्थिति अभी बहुत अच्छी नहीं बन रही है लेकिन कार्य व्यवसाय में उन्नति के योग कल के दिन दिख रहे हैं वृश्चिक लगन की बात किया जाए वृश्चिक लगन में कल का दिन जो रहने वाला है वो चंद्रमा आपके लगन से दशम भाव में रहेंगे तो निश्चित रूप से कार्य व्यवसाय को लेकर आप एनर्जेटिक हो जाइएगा किसी प्रकार की परेशानी में अगर आपके छोटे भाई बहन थे तो वो परेशानी कल खत्म होते हुए मुझे दिखाई दे रही है लेकिन पिता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानियाँ कल के दिन में ज़रूर दिख रही है या पिता तुल या कोई बड़े लोगों का स्वास्थ्य खराब हो गया हो तो उसको लेकर थोड़ी चिंता आपके लिए भी ज़्यादा रहेगी आय के साधन में कई लोग रुकावट करने की कोशिश करेंगे लेकिन आप अपने आत्मबल पर निर्भर आपको करता है आपको कॉन्फिडेंट रहना चाहिए और इस कॉन्फिडेंट के साथ और मेहनत के साथ अगर आप काम को करते हैं तो कार्य सिद्ध हो जाएगा जिससे कि आय भी बढ़ेगी यात्राओं के योग भी यहाँ पर बन रहे हैं और ये यात्राएँ अगर धर्म के प्रति हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा और जीवन साथी के साथ संबंध जो रहेंगे थोड़ा सा डिस्प्यूट कल के दिन हो सकता है विद्यार्थी वर्गों के लिए कल का दिन श्रेष्ठ है धनु लगन की बात किया जाए तो धनु लगन में चंद्रमा आपके भाग्य स्थान पर रहेंगे लेकिन थोड़ा सा अष्टमेश होने के कारण हाल ही दोष इनको लगता नहीं है लेकिन धार्मिक कार्यों में कुछ अवरोध उत्पन्न करा देंगे स्वास्थ्य को लेकर कल का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है लेकिन वाड़ी जब आप बात कीजिएगा तो थोड़ा सा नपे तुले वर्ड का यूज़ कीजिए और ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में बात नहीं कीजिए नहीं तो परेशानी ज़्यादा बढ़ेगी और गले में किसी प्रकार के इन्फेक्शन होने की संभावना भी धनु लगन में यहाँ पर दिख रहा है मेहनत तो लगातार धनु लगन वाले कर रहे हैं लेकिन आउटपुट अभी भी नहीं आ रहा है उसका रीज़न है क्योंकि अभी भी आपका लग्नेश मेहनत में बैठा और ग्रहों की युति भी बहुत अच्छी नहीं चल रही तो इसलिए ये दोनों ही चीज़ें मैटर करती हैं कि परेशानियां अभी बढ़ रही हैं लेकिन इसको अगर आप रियली ख़त्म करना चाहते हैं तो प्रतिदिन आपको अब ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना चाहिए बृहस्पति का बीज मंत्र भी अगर साथ में कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और कार्य व्यवसाय को लेकर कुछ रुकावट कल के दिन मैं देख पा रहा हूँ मकर लगन की बात किया जाए मकर लगन में कल के दिन चंद्रमा अष्टम में रहेगा अष्टम का चंद्रमा जो रहेगा आपके जीवन साथी के साथ किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न कर सकता है किसी प्रकार का व्यर्थ का वाद विवाद हो सकता है दूसरा आपके प्रेम प्रसंग में भी गिरावट आती हुई दिखाई देगी कुछ डिस्प्यूट होने की संभावना कल के दिन दिख रही है लेकिन कार्य व्यवसाय को लेकर आप ऊर्जावान रहेंगे किसी भी कार्य को करना खुद सेल्फ इनिशिएटिव लेके कार्य को कंप्लीट कर लेंगे और जिससे आपके लोगों लोग जो रहेंगे वो आपके कार्यों की प्रशंसा भी करेंगे और मान पद प्रतिष्ठा भी आपकी कल बढ़ने वाली है किसी प्रकार का ज्ञान अर्जित करना इसके तरफ माइंड ज़्यादा डाइवर्ट हो जाएगा कि मुझे भी कुछ नया सीखना चाहिए और ये चीज़ कल विद्यार्थी वर्गों के लिए अच्छा है और उन लोग के लिए भी जो लर्निंग करना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा और साथ में कार्य व्यवसाय के लिए थोड़ी मेहनत करने के बाद ही कुछ अच्छे परिणाम तो आ जाएंगे लेकिन मेहनत थोड़ा सा रहेगा और ऊर्जावान भी कल रहेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा मैं नहीं देख पा रहा हूं कुंभ लगन की बात किया जाए कुंभ में कल का दिन चंद्रमा सप्तम भाव में रहेंगे और सूर्य के नक्षत्र में रहने के कारण पर थोड़ा सा आपको परेशान करने वाले चंद्रमा दैनिक रोजगार को लेकर कुछ ना कुछ परेशानी लगी रहेगी अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं तो बिजनेस पार्टनर से विवाद हो सकता है और कार्य क्षेत्र को लेकर भी थोड़ा सा अंदर से निगेटिविटी फ़ील आप कर पाएंगे कि मुझे जॉब को स्विच करना है लेकिन जॉब भी अप्लाई कीजिएगा तो वो भी आपको कॉल करके और आपको कंफर्मेशन भी आपको बहुत जल्दी मिलना नहीं है तो इस समय आपको केतु शांति ज़रूर करवा लेना चाहिए और साथ में जो पॉजिटिव चीज़ें चल रही हैं स्वास्थ्य को लेकर दिन अच्छा रहेगा धन को लेकर काफ़ी परेशानियां कल के दिन मैं देख पा रहा हूँ जितनी परेशानियां अभी तक नहीं आई थी थोड़ी परेशानियां या अकस्मात का खर्च सामने आ जाए जिसके कारण थोड़ी सी परेशानियां आर्थिक रूप से आपको परेशान कर सकती है हालांकि प्रेम प्रसंग मधुर रहेंगे और स्वास्थ्य भी अच्छा रहने वाला है अंतिम लगन अर्थात मीन लगन की बात किया जाए तो मीन लगन में कल चंद्रमा जो रहेंगे वो छठवें स्थान पर रहेंगे अर्थात रोग ऋण शत्रु वाले स्थान पर रहेंगे तो यहाँ पर आपके रोग ऋण शत्रु को अकस्मात बढ़ा देंगे और साथ में उधर संबंधित कुछ परेशानियाँ लंबे समय से चली आ रही हैं तो वो भी परेशानी बढ़ेगी विशेष रूप से जिनके लीवर फैटी हैं उनके लिए बहुत परेशानी वाला दिन कल हो सकता है और जिनको हाइपर एसिडिटी रहती है मीन लगन के उनके लिए भी परेशानी बढ़ सकती है लेकिन इसके अलावा कार्य व्यवसाय को लेकर जो आपने इतनी ज़्यादा मेहनत की है उसका परिणाम भी आपको बहुत जल्द मिलने वाला है और कार्यस्थल पर आपके कार्यों की सराहना होगी आपके पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी जीवन साथी के साथ संबंध सामान्य रहेंगे बहुत अच्छा नहीं कहूँगा कुछ बात पर डिस्प्यूट भी मैं चार्ट पे देख पा रहा हूँ शेयर सट्टा लॉटरी से थोड़ा सा दूरी बना कर रखिए क्योंकि भाग्य आपका पूरा साथ नहीं देगा और परिवार में मतलब दोपहर दो, दो बजे के बाद आप के परिवार में किसी प्रकार का शुभ समाचार भी मिलेगा जिससे कि पूरे परिवार में खुशियों की लहर रहेगी तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का कल 22 जनवरी कैसा बीतेगा अभी के लिए इतना ही मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा ओम नमक शिवाय